स्पेशलिस्ट वेट वेलनेस डॉक्टर हिना अनीस, इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे थोड़ी सी ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, बस मोटी हूँ। आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत अच्छी हैं, और आपको पता है कि आप बहुत प्यारी हैं और बहुत दिल की भी बहुत अच्छी हैं। आपको किसी ने पैसे नहीं दिए? नहीं, मुझे कोई पैसे दे नहीं सकता। लेती नहीं हूँ ना, क्योंकि पता है काम ये होता है कि लुकिंग गुड इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग, हीलिंग एंड वेलनेस। तो अच्छा दिखना, अच्छी बातें करना, ये सारा वेलनेस के ना अम्ब्रेला के अंदर आता है। तो ये तो मेरा काम। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे जो व्यूवर्स यहाँ भी देख रहे होंगे, वो बड़े एक्साइटेड हो रहे होंगे यार कब वेट पे बात करेंगे, तो हम जो है टाइम वेस्ट किए बगैर बात करते हैं कि वो लोग जिनका वेट स्टक हो जाता है भाई, वो लूज नहीं हो रहा, और जिन लड़कियों की जैसे शादी होने वाली है और वो कितनी जल्दी जल्दी हो जाए, तो इसमें भी जाहिर है कोई जैसे हम कोई प्रिकॉशंस उनको देते हैं या कोई ऐसी मेडिकेशन, तो इफेक्टेड तो होती होंगी, उनके साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे, तो इस हवाले से थोड़ा हमारे व्यूवर्स को गाइड करें। बिल्कुल होती हैं। अच्छा उरूज, ऐसा है कि जो वेलनेस की अम्ब्रेला है ना, वो मैंने बड़े सोच समझ के डिज़ाइन करी है स्पेशली औरतों के लिए और उन लड़कियों के लिए, उन बच्चियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है। न्यूट्रिशन उसका की कहते हैं ना कि सबसे टॉप पर है, सबसे ज़्यादा टॉप पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितनी भी बच्चियाँ आती हैं जिनकी नई नई शादी होने वाली होती है, और वो जल्दी से चाहती हैं कि रैपिड उनका वेट लॉस हो जाए, उनकी बॉडी में एक अच्छी सी चेंजेस आ जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। जी हमारे पास ऐसी नेचुरल ऐसी मेडिकेशंस भी हैं, ऐसे डाइट प्लान्स भी हैं, और ऐसा रैपिड मेरे पास ऐसे पैकेजेस हैं कि जो कि मैं बच्चियों को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, एंड विद इन 45 डेज की एक लिमिट है, उसमें मैं उनका ऐसा उनको एक प्लान देती हूँ जिससे उनके मैं वाकई 10-15 kgs का एक अच्छा डाइट में डाइट के साथ, और 10-15 kgs का उनकी बॉडी वेट में बहुत अच्छा सा चेंज आ जाता है, रिडक्शन आता है। वाओ। तो जिसमें सबसे पहले उनका डाइट, लाइफस्टाइल, स्लीप पैटर्न, ये सब चेंज हो जाता है। और इसके साथ साथ यस रेमेडीज भी हैं और कुछ ऐसी ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स भी हैं। अच्छा ये भी बताएं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने डाइट फॉलो किया, उसके बाद उनकी स्किन की शाइन खत्म हो जाती है, यू नो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और ये सारी चीज़ें, इसके भी बड़े इश्यूज रहते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, भाई हमारी डाइट अच्छी नहीं थी, तो इसी हवाले से भी कुछ हो जाए? देखें अगर फेक डाइट्स करेंगे, देखा देखी करेंगे कि कहीं मैगजीन में पढ़ लिया, गूगल पे पढ़ लिया, या कहीं भी यहाँ वहाँ पढ़ लिया, तो बिल्कुल आपके बाल भी गिरेंगे, स्किन भी ख़राब हो जाएगी, सैग भी हो जाएगी। लेकिन जो डाइट प्लान हम कस्टमाइज यहाँ पे बनाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट्स बहुत फुल और सेटिस्फाइड भी फील करते हैं, और डाइट करने के बाद उनके हेयर फॉल होता नहीं है, बाल और अच्छे हो जाते हैं, स्किन और ज़्यादा ग्लो। टर्म ये है कि हेल्दी डाइट होनी चाहिए। आई मीन डाइट का मतलब डिप्राइव करना नहीं है। डाइट को इतना गलत तरीके से इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया गया है। डाइट का मतलब तो आप की डेली रूटीन में जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज़ योर डाइट। यानी आप कुछ भी खा रहे हैं, आप सालन, रोटी, चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल कुछ भी खा रहे हैं, दैट इज़ योर डेली डाइट। आप कितनी कैलोरीज अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, कितनी डालनी चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, ये हम काउंट करते हैं। क्या खाना है, किस वक्त खाना है, किस क्वालिटी का खाना है और किस क्वान्टिटी का खाना है, और उसकी सिलेक्शन क्या होनी है, उसकी ग्रुपिंग क्या होनी है, उसके कॉम्बिनेशन क्या होनी है, ये हम डिसाइड करते हैं और हम बताते हैं कि आपको क्या सूट करेगा। खाना तो सबने, डाइट तो सबने लेनी है, या हम डिप्राइविंग पर आ जाते हैं और पेशेंट को डरा देते हैं कि डाइटिंग करें, या जो एक रोटी खा रहा है वो भी डाइटिंग कर रहा है, जो 10 रोटी खा रहा है वो भी डाइटिंग है। तो एवरी डे खाने को मतलब इंग्लिश को उर्दू में अगर ट्रांसलेट करो तो दैट मीन्स डाइट। तो एग्जैक्टली। अच्छा कुछ लोगों को नाइट क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा होती है, अच्छा वाइल्ड डाइट तो कहते हैं मतलब थोड़ा सा खा लो, अच्छा ज़्यादातर हो रही होती है स्वीट्स की, हम स्वीट डिश खा लें और इस तरह से खा लें, तो वो इफेक्ट हो जाता है फौरन अगर उनका डाइट प्लान चल रहा है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि स्वीट्स में जितनी भी डिजर्ट्स हैं, स्वीट्स हैं, बहुत हाई इन कैलोरीज होती हैं। ठीक है, और जो भी स्वीट्स हैं, डिजर्ट्स हैं, और जितने कार्बोहाइड्रेट जो शुगर में मौजूद हैं, ग्लूकोज में मौजूद हैं, सुक्रोज में मौजूद हैं, वो हमारे जब भी हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो एनर्जी में टर्न आउट नहीं होते, फैट्स
में टर्न आउट हो जाते हैं. तो इसलिए फौरन जो भी हम डाइट अगर कर रहे होते हैं, डाइट प्लान के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो अगर हम उसको कैलोरीज के बीच में भी रख के कर रहे होते हैं ना, तो भी वो फैट में ट्रांसफर हो जाता है. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि मुझसे एक बड़ा मज़े का सवाल किसी ने पूछा था कि मैम मैं तो डाइट पर हूँ, यानी कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर हूँ, तो क्या मैं अपने मील को रिप्लेस करके एक कुकी खा सकती हूँ? तो मैंने हंसते हुए उससे कहा कि तुम कुकी तो खा लोगी, लेकिन उससे तुम्हारी डाइट पे ये असर आएगा कि तुम्हारी डाइट वहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टक हो जाएगी, तुम वेट लूज नहीं करोगी उस दिन. ठीक है, तुम गेन नहीं करोगी अगर तुमने थोड़ा सा बाउंड्रीज में रही, लेकिन तुम लूज भी नहीं करोगी, तुम बैठ जाओगी, क्योंकि वो शुगर तुम्हारी एनर्जी में ट्रांसफर नहीं हुई, उसने फैट में ट्रांसफर हो गई तुम्हारी बॉडी में जाके. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि काफ़ी जो अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो हमारी जो लेडीज़ हैं वो कीटो डाइट को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं. तो कीटो डाइट मींस के वो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं. आपने उसको छोड़ा, आप डबल हो गए, और इस वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ भी हो जाते हैं, आपकी इंटीरियर काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं. तो आपको क्या लगता है कि कीटो डाइट इज़ इट गुड? देखें, कीटो डाइट का ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम जब कीटो डाइट इंट्रोड्यूस हुई तो वो अल्जाइमर के पेशेंट के लिए इंट्रोड्यूस हुई, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए पेशेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस हुई, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कैंसर्स के पेशेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस हुई. कीटोसिस बॉडी में वो आपको ऑन कर देती है, आपके फैट सेल्स को वो बर्न करती है जब आपकी बॉडी ग्लूकोज पर डिपेंडेंट नहीं होती. ओके, तो इसका आपके बॉडी के वेट लॉस से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है. फॉर अ टाइम बीइंग आपकी बॉडी फैट लूज कर जाएगी, आपकी बॉडी वेट लूज कर जाएगी, लेकिन अगर मैं हेल्थ बेनिफिट की बात करूं तो हर इंसान के लिए कीटो डाइट बेनिफिशियल नहीं है. तो आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में स्टैंड आउट करते हैं. मैं अगर प्रेगनेंसी की डायबिटीज की बात करती हूँ तो यस, मैं उनको भी सजेस्ट कर सकती हूँ कीटोजेनिक लाइफस्टाइल, लेकिन उसमें भी वीगन कीटोजेनिक लाइफस्टाइल में कर सकती हूँ. 70-30 का रेशो मैं वीगन और एनिमल प्रोटीन का भी सजेस्ट करती हूँ एक कीटोजेनिक लाइफस्टाइल, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं या प्रेगनेंसी की डायबिटीज़ की जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए होती हैं, लेकिन उनके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट डाइट डिज़ाइन की डाइट बनती हैं. लेकिन जो हाई फैट कीटोजेनिक डाइट है वो सिर्फ और सिर्फ अल्जाइमर के पेशेंट के लिए, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं, हमारे ऑटिज्म के पेशेंट होते हैं उनके लिए, और कुछ कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके लिए है, सिर्फ वेट लॉस के पेशेंट के लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं. अच्छा, मुझे ये बताया है कि नॉर्मल रूटीन में हमें अपनी डाइट क्या रखनी चाहिए, मतलब कि हमारा गेन भी ना हो, चले ठीक है स्टक रहे हमारा वेट, लेकिन क्या ऐसी डाइट क्या होनी चाहिए जो हेल्दी भी हो हमारे लिए? अच्छा, नॉर्मल रूटीन में हमारी डाइट ये होनी चाहिए कि फुल ऑफ मिनरल्स एंड विटामिंस होनी चाहिए, एक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए. अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूँ कि जो हमारी एक प्लेट होती है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक प्लेट है, फुल कम्प्लीट प्लेट है, तो इसकी हाफ प्लेट में मेरे पास होनी चाहिए वेजिटेबल्स, ओके, ग्रीन्स, और कलरफुल होनी चाहिए मेरी पूरी प्लेट. अब जो दूसरे दो हिस्से रहते हैं उसके हाफ हिस्से में होना चाहिए एक किस्म का प्रोटीन, वो कोई भी होना चाहिए, वो होना चाहिए एनिमल प्रोटीन भी हो सकता है, वो वीगन प्रोटीन भी हो सकता है, और बाकी का जो आखिरी क्वार्टर हिस्सा बचता है वहाँ होने चाहिए ग्रेन्स. ओके, वो ग्रेन्स होने चाहिए होल ग्रेन्स. होल ग्रेन्स में आ जाते हैं ओट्स, होल ग्रेन्स में आ जाते हैं बार्ले, कीनवा या मिलेट्स, ठीक है, या ब्राउन राइस आ जाते हैं. तो ये एक परफेक्ट डाइट हो गई. अब स्नैक्स में आ जाता है, स्नैक्स क्या होने चाहिए, वो फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, और एवरीडे मैं सबको हमेशा एक एडवाइस करती हूँ कि एक फ्रूट और एक वेजिटेबल का जूस मिक्स करके पिए, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे ग्लो, बालों में लस्टर और एक्नी आपकी स्किन से हमेशा के लिए. अच्छा, मुझे ये बताइए कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, जस्ट जूसेस पर जो है वो गुजारा करो. तो जूसेस बहुत ज़्यादा वो नहीं हो जाते, उसमें शुगर इतनी होती है, तो कहते हैं कि नहीं जूसेस पियो, बाकी सब छोड़ दो, आपका वेट लूज हो जाएगा. अच्छा, ऐसा नहीं है, हर चीज़ का ना एक पैटर्न होता है. बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैंने भी अपनी डाइट प्लान्स में ना बहुत सारे पैटर्न्स बनाए. ओके, जूस पैटर्न भी मैंने बनाया है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बनाया है,
होता है, बट इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन और उसकी डाइट के फेजेस पर कि वो किस फेज पर है और मैं उसे क्या करवा रही हूँ। मेरे डाइट फेज में भी ऐसे डेज आते हैं जिसपे मैं अपने पेशेंट को जूस पर ले जाती हूँ। मेरे बहुत सारे पेशेंट अगर ये शो देख रहे होंगे तो अग्री करेंगे, लेकिन नॉट फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड, नॉट फॉर मोर देन 3 डेज, नॉट फॉर मोर देन 24 आवर्स, तो नॉट फॉर मोर देन 72 आवर्स। तो फिर मैं इस तरीके से उनको लेकर जरूर जाती हूँ पर हमेशा के लिए नहीं। और जूस, यस जूस, दिन में एक दफा मैं वेजिटेबल की स्मूदीज कहती हूँ कि उसको जरूर पी। ओके अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये तो हमारी हो गई वेट को लेके बहुत सारी बातें हो गई। कुछ लोग होते हैं ब्यूटी कॉन्शियस भी होते हैं, वो अपनी ब्यूटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते, और कुछ लोगों का ये भी है कि मेकओवर के बाद जो ब्यूटी होती है वो ब्यूटी होती है। अच्छा, आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो मेकअप भी अच्छा नहीं लगता, तो उस हवाले से भी कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, ब्यूटी कॉन्शियस होना हर मर्द और औरत का हक है। मैंने आपसे पहले हमारी कन्वर्सेशन के स्टार्ट में कहा था कि लुकिंग गुड इज अ पार्ट ऑफ योर हीलिंग, तो वो जरूर होना चाहिए। पर ब्यूटी कहाँ से शुरू होती है? फ्रॉम योर स्किन, फ्रॉम योर हेयर्स एंड फ्रॉम योर ओवरऑल अपीयरेंस। और ये कहाँ से शुरू होती है? फ्रॉम योर गट हेल्थ, फ्रॉम योर लिवर हेल्थ। अगर आपकी गट हेल्थ और आपकी लिवर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप कैसे इसको ऊपर से अपीयरेंस को आपकी अच्छी करेंगे? आपका घर की इमारत मजबूत नहीं होगी तो ऊपर का पेंट क्या वो ज्यादा दिन तक रह सकेगा? अगर घर में दीमक लगी हुई है तो जितना ही अच्छा फर्नीचर ऊपर ला के रख दें क्या वो रह सकेगा? नहीं ना। तो मैं आपकी इमारत को अंदर से पहले अच्छा करती हूँ, अंदर से क्लीन करती हूँ, उसको नरिश करती हूँ और फिर ऊपर की ब्यूटी पर आती हूँ। यस, बीइंग एन एस्थेटिशियन मैं ओवरऑल अपीयरेंस को भी ठीक करती हूँ, उसको भी हम अच्छा करते हैं, सारी एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी करते हैं और अग्री करती हूँ कि हर किसी का हक है, पर अंदर से पहले ठीक करें और इंस्टेंट ब्यूटी की तरफ ना जाए कि एक दिन मेकअप कर लिया दो मुँह धोएंगी तो सारी कंटोरिंग वगैरह सब निकल जाएगी और घर जाएंगे और लोग डर जाएंगे। हाँ, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक कमेंट में भी आया था कि जब आप करें इंटरव्यू तो ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपके पास आई, आपने उसे डाइट रिकमेंड किया, ठीक है, अब ये होता है कि उसकी इंटीरियर भी कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं, हार्मोन्स के अलावा उसके स्टमक का इशू है, उसके लीवर का इशू है, वो डाइट फॉलो नहीं कर सकता, फिर उसको क्या ऐसा करना चाहिए कि वो उसका वेट लूज हो जाए? बिल्कुल ऐसा ही है कि हार्मोन की इम्बैलेंसेस होने से, आपके मूड स्विंग्स होने से, आपके एज फैक्टर से भी, इनफैक्ट आपके ब्लड ग्रुप से भी, आपके एनवायरनमेंट के अलग होने से, आपके रीजन के अलग होने से आपके डाइट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम यहाँ क्लिनिक्स पर मौजूद हैं, आप वेलनेस सेंटर पर आएँ और अपनी कस्टमाइज डाइट प्लान बनाएँ। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी अल्टरनेट थेरेपीज मौजूद हैं जो सिर्फ आपके वेट को कम नहीं कर रही होती, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी बैलेंस कर रही होती है। अब औरतों के लिए ना सिर्फ मर्दों के भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जिसमें अगर हम एक बहुत मेजर इशू को भी ना उठा लें इस वक्त, क्योंकि इनफर्टिलिटी का इशू है औरतों का, हार्मोनल इम्बैलेंसेस का इशू है, तो वो भी डाइट प्लान के ही जरिए बहुत ज़्यादा ठीक हो रहे होते हैं। और डाइट प्लान बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट दे रहा होता है। आप देखेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ अगर हम डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं तो वो पहले आपसे कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। तो कब तक आप मेडिसिन खाते रहेंगे? मेरा एक सवाल है आपसे, अपना आपसे सवाल करें कि मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या किसी ऐसे पेशेंट के आपने डायबिटीज़ ठीक होते हुए देखी है? पेशेंट को जब डायबिटीज़ डायग्नोज होता है वो उस दिन से लेके अपने मरते दम तक दवाइयाँ खाता रहता है, क्या कभी किसी को ये कहते देखा कि मेरी दवाई छूट गई, या किसी कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को ये कहते देखा कि मैंने अपनी दवाई छोड़ दी? लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे पास आएँ और हमारे लाइफस्टाइल के पैटर्न को फॉलो करें और रिलीजियसली फॉलो करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी। हमारे पास अल्टरनेट थेरेपीज मौजूद हैं, लेकिन उस लाइफस्टाइल को, उस डाइट प्लान को रिलीजियसली फॉलो करना पड़ता है। लोग आके कहते हैं कि हमने तो थोड़ा सा ये खाया था, तो जहर भी थोड़ा सा ही होता है। ट्रू। वॉन हेल्थ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।